धर्म ग्रंथों का कथन है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनाः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सबसे पहले हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है वो घर तक ही सीमित रहती है या जमीन तक ही सीमित रहती है। हमारे घर में जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, वो गोष्ठ तक अथवा गौशाला तक सीमित रहते हैं। भारिया पत्नी कहाँ तक साथ देती है? सिर्फ घर के द्वार तक, शमशान घाट तक जाने का उसको भी अधिकार नहीं है हमारी परंपरा में। जना श्मशाने, जितने भी लोग शमशान घाट तक जाते हैं वो भी वहीं तक साथ में जाते हैं। जिस शरीर को हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? स्वयं से ही तो करता है ना। भले ही किसी दूसरे के लिए कहने के लिए कह देते हैं कि मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, ऐसा होता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य स्वयं से ही करता है, लेकिन जिस शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो शरीर भी चिता तक ही साथ रहती है। अब साथ में जाने वाला कौन है? तो कहा कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो मंच संचालक महोदय का जो प्रश्न था कि धर्म की आवश्यकता क्यों है, तो हम जो धर्म करते हैं वो धर्म, अथवा अगर धर्म नहीं करते हैं तो उसका पाप। मतलब ऐसा है कि जैसा कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, उन कर्मों का फल ही हमारे साथ जाता है। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है कि हमारे साथ कोई भी बुरा ना जाए। चाणक्य ने कहा, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अथवा बछड़ी अपनी माँ को पहचान करके उसके पास में जाते हैं, उसी तरह से कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है।